गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम आज के वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं रिलेशन ऑफ पार्टनर, साझेदारों के संबंध। देखो स्टूडेंट्स, साझेदारों का जो संबंध है, साझेदारी का जन्म उनके बीच में लिखित या जो मौखिक अनुबंध होता है उसके आधार पर होता है और उनके संबंधों के आधार पर ही, साझेदारों का जो संबंध है उसके आधार पर ही उनके अधिकार, जो कर्तव्य है, उनका नियमन होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है साझेदारों के पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध, देखो स्टूडेंट्स, साझेदारों के पारस्परिक संबंध इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशन ऑफ पार्टनर। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि साझेदारी का निर्माण साझेदारों के बीच में लिखित या जो मौखिक अनुबंध होता है उसके आधार पर होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो साझेदार है उसी के अनुसार, कहने का मतलब जो साझेदार है उसी अनुबंध के आधार पर उनके अधिकार, जो कर्तव्य है, उनका नियमन किया जाता है। लेकिन साझेदारों के जो संबंध है उनके बीच में जो संबंध होता है, अगर वो उस आपसी तैराव में, यानी कि मतलब आपसी तैराव के द्वारा उनके संबंधों के आधार पर जो उनके अधिकार और कर्तव्य जो बनते हैं, और वो अगर उस साझेदारी के आपसी तैराव में अगर परिवर्तन करते हैं, तो कहने का मतलब वो अपने अधिकार और कर्तव्यों में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन स्पष्ट कोई अन्य अनुबंध के अभाव में ऐसा किया जा सकता है, इसके लिए सेक्शन जो है सेक्शन 11 अंडर सेक्शन 2 ये लागू होती है। कहने का मतलब बाकी स्टूडेंट्स जो साझेदारों के जो रिलेशन है उनसे संबंधित जो धारा है वो है सेक्शन 9 से सेक्शन 17 तक, 9 से 17 तक ये धारा है, उसके अकॉर्डिंग ही साझेदारों के जो म्यूचुअल रिलेशन है, पार्टनर्स का जो म्यूचुअल रिलेशन है, उनसे संबंधित जो प्रावधान है वो बताए गए हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब जो साझेदार हैं उनके जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, वो अगर आपसी सहमति या स्पष्ट अनुबंध के अभाव में आपसी सहमति से, सर्वसहमति से, कहने का मतलब उस साझेदारी समझौते में परिवर्तन करके अपने अधिकार और कर्तव्यों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, जब साझेदारों के बीच में अन्यथा कोई अनुबंध नहीं हो तो साझेदारों को कौन से अधिकार मिलते हैं उसके ऊपर हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है साझेदारों के अधिकार। इसमें अन्यथा अनुबंध नहीं होने पर अधिकार कौन कौन से हैं, तो नंबर एक व्यवसाय के प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार। देखो स्टूडेंट्स, व्यवसाय के प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार, ये पहला राइट्स मिलता है किसी अन्य साझेदारों के बीच में। अगर अन्य अनुबंध नहीं होता है तो साझेदारों को जो सबसे पहला अधिकार मिलता है वो है व्यवसाय के प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार। देखो स्टूडेंट्स, साझेदारी जो व्यवसाय है, साझेदारी का जो कारोबार है, उसमें प्रत्येक साझेदार को उस व्यवसाय में और उसके प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। उस व्यवसाय में और उसके प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार प्रत्येक साझेदार को होता है। और कहने का मतलब यह है कि ये अधिकार उसको उनके बीच में जो साझेदारी समझौता होता है उसी के आधार पे भी निर्धारित कर दिया जाता है कि जब साझेदारी का निर्माण होता है,
उनमें से कोई एक साझेदार या एक से अधिक साझेदार साझेदारी व्यवसाय में उसके प्रबंध संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। बाकी जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है उसकी सेक्शन 12 में जो ए है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि साझेदारी व्यवसाय के व्यवसाय में उसके प्रबंध संचालन में सभी साझेदारों को भाग लेने का अधिकार होता है। उसके इस अधिकार को कोई भी साझेदार नहीं छीन सकता, यानी का मतलब कोई उसको रोक नहीं सकता। प्रत्येक साझेदार को साझेदारी फर्म के व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार होता है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया नंबर एक, जो अधिकार मिलता है व्यवसाय के प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार। नंबर दो, राय प्रकट करने या परामर्श देने का अधिकार। देखो स्टूडेंट्स, जो नंबर दो राइट्स मिलता है पार्टनर को या पार्टनर्स को साझेदारी के बिजनेस के दौरान, वो है राय प्रकट करने या परामर्श देने का अधिकार। देखो स्टूडेंट्स, प्रत्येक साझेदार जो होता है जब वो साझेदारी फर्म का साझेदार बन गया तो उसको साझेदारी फर्म में या साझेदारी व्यवसाय के अंदर जो भी महत्वपूर्ण मामले होते हैं, जो भी नीतिगत मामले होते हैं, उनमें अपनी राय प्रकट करने या परामर्श देने का अधिकार होता है। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स कि जो साधारण मामले होते हैं उनमें तो निर्णय कैसे लिया जाएगा, निर्णय बहुमत से। लेकिन महत्वपूर्ण या नीतिगत मामले होने पर, महत्वपूर्ण या जो नीतिगत मामले होते हैं उनके अंदर निर्णय कैसे लिया जाएगा, निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा। कहने का मतलब सभी की सर्वसम्मति से लिया जाएगा। अब देखो उसमें महत्वपूर्ण और जो नीतिगत मामले हैं, तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब प्रत्येक साझेदार को जो साझेदारी फर्म का साझेदार है उसको उस फर्म से संबंधित जो भी मामले होते हैं, फर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है वो है उनके ऊपर अपनी राय प्रकट करने या परामर्श देने का अधिकार होता है। साधारण मामले में होते हैं तो निर्णय बहुमत से लिया जाता है, और महत्वपूर्ण या नीतिगत मामले वो होते हैं तो निर्णय सर्वसम्मति से दिया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे अब महत्व इसमें देखो, जैसे मान लो एक उदाहरण के लिए हम उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण यह है कि जैसे दैनिक कार्यों से संबंधित कोई मामले होते हैं तो डिसीजन लिया जाएगा। कहने का मतलब डिसीजन है वो कैसे लिया जाएगा, बहुमत के आधार पर। लेकिन अगर साझेदारी जैसे मान लो कि कोई जवाहरात की फर्म है, जवाहरात बिजनेस में लगी हुई फर्म है, और वो कहने का मतलब अपने बिजनेस में परिवर्तन कर रही है और परिवर्तन करके पुस्तकों का बिजनेस करना चाहती है, तो कहने का मतलब ये महत्वपूर्ण और नीतिगत मामले हो गए, और उस संबंध में बाद में निर्णय सर्वसम्मति से सभी साझेदारों की सर्वसम्मति होना आवश्यक है और डिसीजन सर्वसम्मति से ही किया जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक साझेदारी फर्म में जो साझेदार होता है उसको साझेदारी व्यवसाय या साझेदारी में राय प्रकट करने या परामर्श देने का अधिकार होता है। अब देखो नंबर तीन है, नंबर तीन फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण करने या प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार।
देखो स्टूडेंट्स, साझेदारों को जो अगला अधिकार प्राप्त है वो है कि साझेदारी को हम है उसके जो रिकॉर्ड्स बुक्स वगैरह है वो उनको देख सकता है, उनकी प्रतिलिपि को प्राप्त कर सकता है, मतलब उनकी प्रतिलिपि की कॉपी वगैरह प्राप्त कर सकता है। और इस अधिकार का उपयोग साझेदार व्यक्तिगत रूप से या अपने एजेंट के द्वारा भी पंप की पुस्तकों का निरीक्षण या प्रतिलिपि को प्राप्त करने का जो अधिकार है इसका उपयोग कर सकता है। तो देखो स्टूडेंट्स, आज जो हमने स्टडी किया वो था म्यूचुअल रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। इसमें हमने साझेदारों के अधिकारों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले जो जिस अधिकार के बारे में पढ़ा वो है व्यवसाय के प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार। नंबर दो है राय प्रकट करने या परामर्श देने का अधिकार। नंबर तीन फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण करने या प्रतिनिधि प्राप्त करने का अधिकार। अब देखो स्टूडेंट्स, जो